हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन दीक्षित फैमिली व्लॉग्स। तो लेके आ गई हूँ मैं अपना आज का नया व्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने मेरे कल वाले व्लॉग में देखा ही होगा कि मैंने हर छठ व्रत की पूजा कैसे की जाती है, कौन करता है और कब मनाई जाती है के बारे में बताया है। अगर नहीं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, देख लीजिएगा। तो आइए मेरे साथ देखिए कि मेरे परिवार की लेडीज़ों ने किस तरीके से हर छठ माता की पूजा की तैयारियां की और इसका पूजा का विधान किया। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पूजा में मैं आपको नहीं दिखाई दूँगी क्योंकि मुझे लड़का नहीं है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये पूजा केवल वही महिलाएं करती हैं जिनके पुत्र होता है, तो मेरे केवल एक लड़की है, इस वजह से मैं ये पूजा नहीं कर सकती हूँ। यहाँ देखिए मिष्ठी की दादी, बड़ी दादी, बुआ दादी और सभी चाचियाँ मिलकर हर छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पे पूजा प्रारंभ हो गई है, कितनी सुंदर तरीके से पूजा हो रही है आप देख सकते हैं। इस पूजा में जिस स्त्री के जितने पुत्र होते हैं उतनी मिट्टी की कुल्हड़ों में अनाज भर के पूजा की जाती है और उतने ही पत्तल से दोने बनाकर उनमें प्रसाद रखा जाता है। ये देखिए धोबिन जी हैं हर छठ माता के साथ। धोबिन जी हर छठ माता की कथा होने के बाद यहाँ पर आरती हो रही है, तो आप सभी आरती का। तो दोस्तों छठ माता की कथा व आरती होने के बाद अब यहाँ पर छठ माता की गौरारी खिलाई जा रही हैं। हर छठ माता की ये गौरारी लोग मानते हैं अपने घर में पुत्र होने पर। आई होप आप लोगों को मेरी फैमिली की हर छठ माता की पूजा देखकर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।